हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हम सभी पृथ्वी ग्रह में रहते हैं और इस सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई है या जीवन संभव है। अन्य ग्रहों में कहीं पर भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है या जीवन देखा जा सकता है। और दोस्तों, हम सभी भारत देश में रहते हैं जो इसी पृथ्वी में ही है, तो इस वीडियो में हम भारत देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसका विस्तार है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भारत की जो स्थिति है वह कहां पर है और किस प्रकार है। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें मानचित्र या ग्लोब में जो दिशाएं होती है उसको जानना जरूरी है। इसको जानेंगे तो हमें और चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो जब भी हम मानचित्र की बात करेंगे या फिर ग्लोब की, तो हमें ऊपर की ओर जो होगा वह हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर होगा, और नीचे जो होगा वह दक्षिण यानी कि साउथ होगा। हमारे हाथ का जो राइट हैंड है उधर ईस्ट होगा यानी कि पूरब दिशा, और हमारे हाथ का जो बायां हाथ है उसमें जो होगा वह पश्चिम दिशा होगी यानी कि वेस्ट। तो यह हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर जो होगा वह नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, राइट साइड की ओर ईस्ट और लेफ्ट साइड की ओर वेस्ट होगा। इसको समझने से पहले और एक चीज़ को जानना है कि जो पृथ्वी का आकार है वह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या सुनते हैं कि पृथ्वी का आकार नारंगी की जैसा है, गोल है, गोलाकार है, अंडाकार है, इस प्रकार समझते हैं। लेकिन पृथ्वी का आकार एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो पृथ्वी का आकार किस प्रकार है? तो पृथ्वी का आकार पृथ्वी के जैसा है, हमें यह जानना है। तो लेकिन मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि पृथ्वी का आकार एक गोल है यानी कि गोला के बराबर है। तो इसी गोला के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो हमें वो चीज़ें समझने में आसानी होती है। और हमारे जो भूवैज्ञानिक थे यानी जो वैज्ञानिक थे, वे लोग इसी के आधार पर अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें किए हैं जिससे कि पृथ्वी के बारे में समझने में हमें आसानी हुई है। तो पृथ्वी का आकार हम लोग मान लेते हैं एक गोल है यानी कि गोलाकार है। तो यहाँ पर अक्षांश है और देशांतर है, और इसी के अनुसार से ही लगभग हर देश की स्थिति और इसका विस्तार के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर अक्षांश और देशांतर जो होती है उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन हमें इसको समझना है कि पृथ्वी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर करके दो चीज़ें हैं, यानी कि अक्षांश और देशांतर है 0 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, और यहीं से सारी चीज़ों की स्थिति हमें पता चलती है। पृथ्वी अभी हमने कहा कि यह लगभग गोलाकार है, तो इसको हम लोग सपाट खोलते हैं, गोल है लेकिन हम लोग इसको ऐसे खोल लेते हैं। जब हम लोग इसको ऐसे खोलते हैं तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है, फ्लैट चीज़ प्राप्त होती है यानी कि 2 डायमेंशनल चीज़ प्राप्त होती है। लेकिन अगर गोला है, स्फीयर है, तो हम इसको 3D फिगर कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग अभी यहाँ पर खोल के बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पर हमें ऊपर से नीचे की ओर 0 डिग्री देशांतर प्राप्त होती है, और इस प्रकार से भी हमें 0 डिग्री अक्षांश प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी का जो सतह है उसके पैरेलल में अगर खींचते हैं तो वो सब सभी जो रेखाएं होंगी, जो वृत्त होंगी, वे सब होंगी अक्षांश, और इस प्रकार से यानी कि वर्टिकल जो होगा वह होगा देशांतर। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ को जानना है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश से ही सारे देशों की स्थिति और विस्तार का पता चलता है। तो जैसे ही हम लोग इसको इस प्रकार से खोलते हैं तो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश मिलती है। और इस 0 डिग्री देशांतर है, इसके अगर हम लोग राइट साइड की ओर बात करते हैं तो यह हो जाता है हमारा पूर्वी देशांतर, यह होता है हमारा पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के लेफ्ट साइड की ओर यानी वेस्ट साइड की ओर देखते हैं तो यह होता है हमारा पश्चिमी देशांतर। और जब 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम लोग ऊपर की ओर बात करते हैं और नीचे की ओर बात करते हैं तो यह क्या होता है? तो 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर देखते हैं तो यह होता है उत्तरी अक्षांश, और इससे नीचे की ओर हम लोग देखते हैं तो यह होता है दक्षिणी अक्षांश। तो इतने चीजें आपको हमेशा से ध्यान रखना है।
अब हम लोग जैसे जैसे इस 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करके आगे बढ़ते ही जाएगा। उसी प्रकार से 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाएंगे फिर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके ऊपर तक जाएगा, नीचे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके नीचे तक जाएगा। उसी प्रकार से इसके इस पार भी जाएंगे तो फिर भी 1 डिग्री 2 डिग्री करके बढ़ेगा। तो हमें यह जानना है। और जो स्थिति है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो डिग्री मिनट और सेकेंड में। तो डिग्री मिनट और सेकेंड में हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पता चलता है। ठीक है, मान लेते हैं भारत की स्थिति इस जगह पर है, इस जगह पर है, मान लेते हैं भारत की स्थिति। तो मेजर करेंगे हम लोग पहले अक्षांश से, यानी 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर या 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर, उसके बाद में 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर देखेंगे। तो 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग ऊपर की ओर 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए जाएंगे तो सबसे नीचे वाला जो भाग है वहाँ पर एक कोई अक्षांश मिलेगी, फिर ऊपर की ओर भी एक अक्षांश मिलेगी। उसी प्रकार से 0 डिग्री से इधर बढ़ेंगे तो कुछ डिग्री पर देशांतर मिलेगी, उसके बाद इस वाले भाग में भी कुछ डिग्री पर देशांतर मिलेगी। तो इसी को मैं यहाँ आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करते हुए भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे निचला बिंदु जो है, यानी कि यहाँ है मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक अक्षांश हमें मिल जाएगी। जो भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी बात करते हैं, तब यहाँ पर एक बिंदु मिलेगी, यहाँ पर एक अक्षांश मिलेगी। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जो सबसे लास्ट यहाँ पर भी हमें कुछ अक्षांश मिलेगी। उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर के पूर्व साइड की ओर जा रहे हैं, पूर्व साइड की ओर ऐसे बढ़ते 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 देखेंगे तो यहाँ पर भी एक देशांतर हमें प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर एकदम सबसे पूर्वी भाग में एक देशांतर मिल जाएगी। तो यही है भारत की स्थिति। तो यह मेजरमेंट में देखते हैं तो कितना होता है। ये जो देख रहे हैं यह है हमारा भारत का हिस्सा, इसको कहते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह बहुत ज़्यादा द्वीपों का समूह है। उसी प्रकार से इस साइड में भी देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है यह है लक्षद्वीप और यह भारत का हिस्सा है। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे में ये जो देख रहे हैं हम लोग ये वाला हिस्सा, यह है मालदीव, यह है मालदीव। यहाँ पर भारत का शासन नहीं है, मतलब लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन दोनों में भारत का शासन है या भारत की ये जगहें हैं। तो अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं तो ये हमें प्राप्त होती है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 0 डिग्री से जैसे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट वाला अक्षांश हमें मिलता है। उसके बाद सबसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो जहाँ पर ख़त्म होती है तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर। और ये कहाँ पर है तो 0 डिग्री से ऊपर की है, यानी कि 0 डिग्री से उत्तरी अक्षांश पर है। इसको भी मैं अच्छे से बता दूंगा, यानी अच्छा से लिख दूंगा। फिर अब 0 डिग्री से इधर जाते हैं तो 0 डिग्री से देशांतर से 1 2 3 4 5 करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो हमें सबसे पहले गुजरात वाला हिस्सा मिलेगा वहाँ पर मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट। तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात के हिस्सा में मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस वाला जो भाग है जो सबसे पूर्वी भाग है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मिलेगा। तो यह कितना में है तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट में, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट में भारत की मुख्य भूमि का देशांतर है। तो यह मुख्य भूमि का हिस्सा हो गया। लेकिन ये जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भी भारत का हिस्सा है और यह भी 0 डिग्री से कुछ ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए मिलता है इस वाला हिस्सा में तो यह मिलता है 6 डिग्री 4 मिनट में, यानी
भारत की अगर हम लोग संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो वह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में इसका देशांतरीय विस्तार है। इतनी समझ में आ गई है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, तो पहले अक्षांश में देखते हैं। तो अक्षांश में होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है, तो उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर है। तो ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश। और देशांतर ये देखते हैं तो हमें मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यह जब मुख्य भूमि का बात करते हैं तब, लेकिन अगर जब भी हम अंडमान को मिलाते हैं तो इसको लिख देता हूं कि अंडमान सहित, अंडमान एवं निकोबार सहित भारत का विस्तार। तो यह हो जाएगा हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा में है, यहाँ पर कोई ऐड नहीं हुआ है, तो यानी कि देशांतर हमारा पहले के जैसा ही रहेगा, 97 डिग्री यहाँ पर 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह अब देखते हैं कि गोलार्ध, ये थोड़ा गोलार्ध को भी समझ लेते हैं। तो पृथ्वी का जो स्फीयर भाग होता है, मान लेते हैं वे गोला है, तो इसको अगर हम 0 डिग्री जो अक्षांश से, यह लगभग 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड करती है। तो गोला का जो भाग होगा, एक आधा भाग होगा, उसको गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और निचले वाला जो आधा भाग होगा उसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर वाला जो हिस्सा कटा हुआ रहेगा उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो ये भारत जो है वह ऊपर साइड की ओर है, तो यानी कि ये कहाँ पर है, तो यह है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, यह मुख्य भूमि। और अगर अंडमान को जब मिलाते हैं तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में होगा। और यह कहाँ पर होगा, तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति यह है। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि ये जो पहला वाला जो बिंदु है, यह दूसरा बिंदु है जब देशांतर में, और ये जो दूसरा वाला अक्षांश है, ये पहला वाला अक्षांश है, ये जगहों को क्या नाम कहते हैं। तो हमारा सबसे पहले अंडमान वाले हिस्सा को देखते हैं जो 6 डिग्री 4 मिनट में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं नाम इसका इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट, या इसी का एक और नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है अगर अंडमान को देखते हैं तब। और अगर मुख्य भूमि में अगर सबसे निचला वाला जो हिस्सा है वह कौन सा बिंदु है, इसका नाम है कन्याकुमारी, यह है कन्याकुमारी। और यह कौन सा राज्य में है, तो यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और सबसे ऊपर अब चलते हैं तो यह हमारा है जम्मू कश्मीर राज्य, और यह जो 37 डिग्री 6 मिनट है वह कौन सा जगह है, तो यह है हमारा
इंदिरा कौन? तो यह हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है, लेकिन यह जो जम्मू कश्मीर है वह अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो नीचे वाला साइड जो है वह जम्मू कश्मीर टेरिटरीज है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वह लद्दाख वाला है। तो ये हमारा इंदिरा कौला है अभी लद्दाख वाले हिस्से में। तो लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरीज, इसका हिस्सा है अभी इंदिरा कौल, जो सबसे ऊपरी या उत्तरी बिंदु है भारत का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब 68 डिग्री 7 मिनट वाला जो देशांतर है वह किसमें है? तो वह है हमारा गुजरात राज्य में, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गुहार मोता। इसको नाम है हमारा गुहार मोता या गुहार मोटा, ऐसे कुछ नाम मिल जाएगा आपको देखने में या सुनने में। तो यह जो है हमारा गुजरात राज्य में है। और ये जो हिस्सा है वह कच्छ का रण जो होता है उसी का हिस्सा है ये गुहार मोता। तो हमें गुजरात वाले राज्य में मिल जाएगा पहला वाला जो देशांतर मिलेगा भारत का स्थिति में। उसी प्रकार से ये वाला जो 97 डिग्री 25 मिनट वाला जो देशांतर है वह कौन सा राज्य में है? तो वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है किबिथू, किबिथू। यह है एग्जैक्ट इस जगह का नाम जहाँ से 97 डिग्री 25 सेकेंड वाला देशांतर रेखा गुजरती है। तो आपको ये सब सारी जानकारी जरूरी है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि मुख्य भूमि का जो बिंदु से है, प्रमुख बिंदु, तो 8 डिग्री 4 मिनट में है यह का, तो यह है कन्याकुमारी। और 37 डिग्री 6 मिनट यह है हमारा इंदिरा कॉल। और अगर यह वाला बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट वाला, तो यह है हमारा इंदिरा पॉइंट या पर्सन पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। और अब इधर देशांतर वाला को देख लेते हैं। तो देशांतर वाला है जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट में, इसको कहते हैं गुहार मोता। और 97 डिग्री 25, उसको भी देख लेते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट वाला है की बी थू। यह है हमारा अरुणाचल राज्य में, अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में है। तो आपको यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ज्योग्राफी में भारत की स्थिति से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों भारत की स्थिति हमें पता चल गई है। तो ये जो भारत है पृथ्वी में कुछ यह क्षेत्रफल को घेरता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल हुआ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इतने आपको जानकारी ध्यान रखना है। इसके अलावा में हम लोग भारत के बारे में और जानकारी को देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस होगा उसमें हम लोग इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे।